अस्सलाम वालेकुम। आज बताएंगे आपको एक डीसी एयर कूलर का कनेक्शन। ये आप एक डीसी मोटर हो गई और ये इसके पार वगैरह मैं आपको एक दस्ती बना के दिखा रहा हूँ। ये मोटर और नीचे ये आपने डीसी वाटर पंप जो वाटर टंकी में मौजूद होता है, तो और यहाँ मैं आपको स्विच बटन आपको बना कर दिखा देता हूँ। ये एक आर्जी नक्शा है, आपको बाद में प्रैक्टिकल भी इसी वीडियो के एंड पे मिल जाएगा, बस आप वीडियो ज़रा देखते जाइए। आपको ये कनेक्शन बस याद हो जाएगा, आप ज़रा अपने राफ अमल पे इस तरह का नक्शा बना रहेगा ना, ये जो मैंने डॉट लगाया अच्छा है इसकी एक ये बाहर का निशान का है, ब्लैक वायर है और इसकी एक ब्लैक वायर है और एक इसकी भी रेड है और इसकी एक ये भी रेड है। तो आपने कैसे करना है कि आसान तरीका है, इसकी रेड को और इसकी रेड को यहाँ से जोड़ लगाना है और एक एक्स्ट्रा वायर लेनी है। एक्स्ट्रा वायर लगा के सीधा इसको बाहर की तरफ निकाल देना है एयर कूलर से। तो आप जी रहेगी इसके ब्लैक वायर, तो ये पंप की ब्लैक वायर, इसको भी इसी तरह करना है कि आपने इसको तार के साथ जोड़ लगाना है। तो आपने इसको ले कर जाना है इस बटन में, यहाँ इसको लगा देना है। तो ये रह गया मोटर की ब्लैक वायर को निकाल के ये यहाँ इसको लगा देना है, ठीक है। अब एक और इसका ब्लैक वायर का टोटल लेना है छोटा सा पीस, तो इसको यहाँ से काट कर ओपन कर लेनी है तार। तो इसको यहाँ लगा के यहाँ से इकट्ठा लगा के और यहाँ से इसको भी बाहर निकाल देना है। तो अब ये आसान तरीका है ना, बस ये सिस्टम मुकम्मल हो गया। ये डीसी का, ये पंप की ब्लैक वायर इस एक बटन में, तो उसकी जो पंप की है वो इस बटन में, तो जो रेड है इसकी और इसकी मिलाकर इसको बाहर निकाल देना है और ये इसको भी बाहर निकाल देना है। तो अब ये वायर ब्लैक आती है तो ये मोटर का बटन है और ये पंप का बटन है, ठीक है। बस इतना समझने, यानी कि मैं फिर आपको एक छोटा सा नक्शा फिर बना के दिखाता हूँ। ये मोटर हो गई, ठीक है, इसकी दो वायर हैं और ये पंप हो गया, इसके भी दो वायर हैं, ठीक है। ये रेड को रेड के साथ मिला देना है और ये मैं आपको बटन दिखाता हूँ, ये एक बटन हो गया, ये दूसरा। अब इसकी ब्लैक वायर को यहाँ लगा देना है, इसकी ब्लैक वायर को यहाँ लगा देना है और ये रेड जो है इसको बाहर निकाल देना है, ठीक है। इसके दोनों मिलाकर एक ये भी मिला देना है। अब मैं कलरफुल आपको बताता हूँ कि ये इसकी रेड। ये इसकी दो वायर, ये ब्लैक है और दूसरी रेड वाली है। इसी तरह पंप की एक रेड है और दूसरी ब्लैक है। तो रेड के साथ आपने जो मैचिंग करनी है वो रेड के साथ मोटर की रेड मैच कर दें, जोड़ लगा देना, फिर उसके साथ एक्स्ट्रा तार लगा दे के उसको बाहर निकालना है। तो इसी तरह जो पंप की ब्लैक वायर है तो उसको जोड़ लगा कर उसको एक अलहदा यानी कि स्विच में आपने लगाना है। तो यहाँ आपने एक बटन के निचले हिस्से की तरफ यहाँ लगा देना है आपने। तो दूसरी वायर मोटर की ब्लैक रह गई, इसको जोड़ लगा कर, तो अब इसको जोड़ लगा के इसको दूसरे बटन की यानी कि ये निचली सतह पे यहाँ पे लगा दिया। तो एक आपने एक्स्ट्रा वायर लगानी है इस तरह उसे ओपन करके, तो ये इस तरह लगा दी और बस एक इसका ब्लैक वायर का जो सिरा है वो बाहर निकाल देना है। तो दूसरा जो ये मैं बाहर निकाल देता हूँ, दूसरा रेड का आपने देखना है वो भी इसी तरह इसी सुराख से जो बाहर निकाल देना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जी। यहाँ रेड का भी बाहर निकाल देना है। तो आपका जो आपका मुकम्मल कनेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, आप दोबारा देख सकते हैं जो मैंने पहले पेंसिल के साथ।